नमस्कार दोस्तों, किरण माहेश्वरी के चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको डबल चॉकलेट चोकोबार आइसक्रीम कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी। यह आइसक्रीम मैं आपको ओरियो बिस्किट से और बिना मोल्ड के बनाना बताऊंगी। आइसक्रीम बनाने के लिए आप ओरियो बिस्किट ले लें। मैंने 10-10 वाले पैकेट लिए हैं, 4। फ्रेंड्स, पैकेट को आप ध्यान से खोलें क्योंकि हम इसी में आइसक्रीम बनाएंगे। ध्यान रहे पैकेट फटे ना। सारे बिस्किट को आप बाहर निकाल लें। मैंने पैकेट से सारे बिस्किट निकाल लिए हैं। आप इसे साइड से बिल्कुल भी ना फाड़े, इसी तरह आप सारे बिस्किट निकाल लें। मैंने 4 पैकेट्स के बिस्किट बाहर निकाल लिए हैं। आप मिक्सी का जार ले लें और ये बिस्किट इसमें डाल दें। मैंने सारे बिस्किट जार में ले लिए हैं। अब आप इसमें 2 ग्लास दूध डाल दें। चार पैकेट में आप 2 ग्लास दूध लें। फ्रेंड्स, इसमें और कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, आप इसे चर्न कर लें। मैंने इसे अच्छे से चर्न कर लिया है। अब आप 4 ग्लास ले लें और चारों ग्लासों में एक एक रेपर रख दें। अब आप रेपर को उठाएं हाथ में एक को और इसमें ये डाल दें। फिर से इसे ग्लास में रख दें। इसी तरह आप सारे में ये मिश्रण भर दें। फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बनकर रेडी होती है। मैंने सारे रेपर में आइसक्रीम का ये मिश्रण भर दिया है। अब आप इसे फ्रीजर में जमने के लिए रख दें। 2 घंटे के बाद हम इसमें स्टिक लगाएंगे। आइसक्रीम को फ्रीजर में रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं, ये हल्की सेट हो चुकी है। अब आप इसमें स्टिक्स लगा दें। मैंने सारे में स्टिक्स लगा दिए। अब आप वापिस इसे फ्रीजर में रख दें। 7 से 8 घंटे के लिए आप सेट होने के लिए इसे फ्रीजर में रख दें। फ्रेंड्स, अब आप डार्क चॉकलेट ले लें और उसे मेल्ट कर लें। मैंने इसे माइक्रोवेव में मेल्ट किया है। अब आप मेल्ट की हुई चॉकलेट को ग्लास में निकाल लें। मैंने मेल्टेड चॉकलेट को ग्लास में निकाल लिया है। आइसक्रीम भी जमकर रेडी हो चुकी है। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, एकदम अच्छे से जम चुकी है। इसी तरह आप दूसरी भी निकाल लें। मैंने आइसक्रीम को बाहर निकाला। आप मेल्टेड चॉकलेट लें और इसमें इसे डिप कर दें। एक्स्ट्रा चॉकलेट को आप निकलने दें। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक पे लगा दिया और दूसरी पे भी लगा दिया। अगर आप इसे नट्टी बार बनाना चाहते हो आप, तो ड्राई फ्रूट्स लगा दें इस पे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक चॉकलेट को और डिप किया है।
आप, मैं इस पे भी ड्राई फ्रूट्स लगा रही हूँ। आप नट्टी बार बनाना चाहते हैं तो लगाएं, नहीं तो इसे स्किप कर दें। सारी डबल चॉकलेट चोकोबार कुल्फी बनकर रेडी है। आप भी बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करें।